ऊपर है रेवाड़ी से, यूपीएससी के रिजल्ट से जुड़ी हुई है। यूपीएससी के रिजल्ट को लेकर दो अभ्यर्थियों में एक अलग तरह का विवाद है। दोनों कह रहे हैं कि 44 रैंक उनकी है, दोनों अभ्यर्थियों के नाम एक हैं, और इसके बाद फिर उन्होंने इस पर अपना दावा ठोका है। एक रेवाड़ी के रहने वाले तुषार कुमार हैं, दूसरे बिहार के भागलपुर के रहने वाले तुषार कुमार हैं। दोनों अभ्यर्थी 44वीं रैंक पर खुद का दावा कर रहे हैं। भागलपुर के तुषार ने दूसरे तुषार रेवाड़ी के तुषार के एडमिट कार्ड को फर्जी करार दिया। भागलपुर के एसपी को इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के रिजल्ट में 44वीं रैंक पाने वाले तुषार कुमार नाम के दो अभ्यर्थियों के बीच एक अलग तरह का विवाद है। हालांकि इस तरह का विवाद मध्य प्रदेश में भी सामने आया है। आयशा नाम की दो लड़कियां हैं, उनका रोल नंबर 1, दोनों के नाम एक जैसे, और उन्होंने दावा किया कि वो पास 184 उनकी रैंक है। यह 44वीं रैंक पाने वाले तुषार कुमार हैं। दोनों तुषार कुमार, एक हरियाणा के रेवाड़ी के हैं तुषार कुमार, दूसरे बिहार के रहने वाले। दोनों के एडमिट कार्ड में रोल नंबर भी एक जैसे हैं। दोनों 44वीं रैंक पर खुद का दावा कर रहे हैं। वहीं भागलपुर के तुषार कुमार ने दूसरे तुषार कुमार के एडमिट कार्ड को फर्जी करार दिया है। इसके अलावा उसने भागलपुर के एसपी को भी शिकायत दर्ज कराई। दूसरी तरफ रेवाड़ी के जो निवासी हैं तुषार कुमार, इस पूरे मामले को क्लियर करने के लिए गुरुवार को दिल्ली पहुंचे थे। यूपीएससी के मुख्यालय जाने की बात कहकर घर से निकले थे। परिवार वालों की माने तो मुख्यालय पहुंचने के बाद से ही उनका फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा है और परिवार को किसी अनहोनी का डर है। फिलहाल इस मामले में ताजा अपडेट के लिए राजेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, अभी क्या अपडेट है? पता चला तुषार का कि कहाँ है? घर वालों से कोई कॉन्टेक्ट हुआ? देखिए नासिक, जिस तरह से यूपीएससी का जो रिजल्ट आया उसके बाद तुषार जो रेवाड़ी से है उनको 44वें रैंक पर दिखाया गया, और साथ ही जो दूसरा भागलपुर बिहार से एक तुषार नाम से उसी नाम से है वो भी 44वें रैंक पे जो है दावा कर रहे हैं। तो उसी को देखते हुए जब रेवाड़ी के तुषार को उसका पता चला तो उसे क्लियर करने के लिए कल गुरुवार को यूपीएससी आयोग के लिए जाने के लिए निकले थे और यहाँ से चले गए थे, जिस तरह उनके परिवार वालों ने बताया। और यहाँ से जाने के बाद जब यूपीएससी पहुंचे उससे पहले उनकी बात हुई थी परिवार वालों की, उसके बाद से जो तुषार का जो है उनका कहना है कि स्विच ऑफ आ रहा है, फोन बंद आ रहा है, लगातार फोन पे संपर्क में भी है लेकिन फोन तुषार का स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको डर है कि किसी तरह कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जब ये खबर उसके पास पहुंची तो काफी टेंशन में, डिप्रेशन में आ गया। अभी राजेश अभी भी कुछ पता नहीं है अभी तुषार का कि वो कहाँ पर है, ये नहीं पता जी नासिर, अभी भी नहीं पता चल पाया तुषार का कहाँ पर है। परिजन ढूंढने के लिए जी अभी परिजन अपने स्तर पर ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं, कहीं यारी प्यारी रिश्तेदारी में आस पड़ोस में पता लगा रहे कि तुषार कहीं गया तो नहीं है और फोन स्विच ऑफ क्यों है, कहाँ गया है, अभी ये नहीं पता चल पाया। बाकी अभी परिजनों ने पुलिस को भी किसी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। फिलहाल आज उसका तुषार का जो भाई है वो भी आज दिल्ली गया हुआ है। अच्छा। उसका कहना है कि तुषार से जो आयोग में जाने की बात कही थी लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो पता लगाने के लिए वो भी गया है। राजेश, आप नजर बना कर रखिएगा, आपसे वक्त वक्त पर अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। और तुषार ये भाई, उनका क्या कुछ कहना है, उनका बयान भी सुनते हैं। 4 साल से लगातार अटेम्प्ट दे रहा था, 2 अटेम्प्ट में ये रह चुका है, इसके बाद तीसरे में ये फाइनल हुआ था। इसका फोन आया भाई मेरा, वो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, मैंने भी यार दोस्तों से बताया मैंने ऐसे ऐसे तेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने इसका वो देखा, इसका रोल नंबर, इसने रोल नंबर बताया, मैंने रोल नंबर देखा तो उसमें था, तो मैं बोला भाई अच्छी बात है भाई हो गया, तो क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं जो मैं इधर उधर देख लूँ। अब जो बात होगी अब वो क्लियर होगी जब वो फोन उठाएगा। ये तो बहुत बड़े दुख की बात है कि किसकी गलती हुई है यहाँ, ये तो नहीं होनी चाहिए ना। एक बच्चे का तो कैरियर ही खराब हो गया जी, क्योंकि उन्होंने FIR कर दी है अगले बंदे ने, तो अब वो बच्चा कल का गया हुआ है दिल्ली यूपीएससी ऑफिस, अब तक उसका कोई पता नहीं कहाँ है, फोन उसका बंद आ रहा है।